हत्या के आरोपी को पकड़ने गई छतरपुर पुलिस पर टीकमगढ़ में हमला हुआ और पुलिस पर यह जानलेवा हमला आरोपी के परिजनों ने किया। इस हमले में दो पुलिस वाले घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल छतरपुर पुलिस टीकमगढ़ जिले में एक हत्या के आरोपी को पकड़ने गई थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी के परिजनों ने पुलिस की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मामले में थाना प्रभारी दीपक यादव सहित एक आरक्षक घायल हो गया। समय रहते ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में दोषी आरोपी के परिजनों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नौगांव सबडिवीजन अंतर्गत 1302 का अपराधी जो थाना गढ़ी में ला रखा था और एक 2017 का फरार आरोपी 420 का जो थाना नौगांव का था, इनके मुखबिर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसको पकड़ने के लिए SDOP नौगांव चंचलेश मरकाम और उनके साथ थाना प्रभारी गढ़ी में ला रहा टीकाराम कुर्मी, थाना प्रभारी नौगांव दिलीप यादव और साथ में अन्य टीम गई थी। और अर्ली मॉर्निंग जब ये ग्राम महेवा जो कि थाना लिधौरा अंतर्गत आता है वहाँ आरोपी को पकड़ने गए तो आरोपी पक्ष के परिवार के कुछ लोगों से झड़प हुई और जिसमें हमारे जो थाना प्रभारी नौगांव है दिलीप यादव, उनको चोट आई सिर में। उनका ट्रीटमेंट अभी ग्वालियर में चल रहा है और उनकी कंडीशन स्टेबल है, कॉन्शियस है, बातचीत कर रहे हैं और ख़तरे से बाहर डॉक्टर द्वारा बताया गया है। एक दूसरा आरक्षक साथ में और था आदित्य, जिसको मामूली चोटें आई हैं। और इसमें थाना लिधौरा में 307, 353 और अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत FIR रजिस्टर्ड कराई जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।